महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमीरपुर गांधी चौक पर प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने व स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने फूल मालाएं अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर SDM हमीरपुर नगर परिषद के EO KL ठाकुर भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमीरपुर गांधी चौक पर प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने व स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने फूल मालाएं अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर SDM हमीरपुर नगर परिषद के EO KL ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद फिट इंडिया मुहिम के खिलाड़ियों व स्कूल के छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है ताकि देश स्वच्छ बन सके। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आज से पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 116वीं जयंती पूरे इस देश में मनाई जा रही है और इसी के उपलक्ष्य में हमारी जो केंद्रीय सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है कि आज के इस अवसर को हम पूरे देश में एक सफाई अभियान के रूप में हम मनाएंगे और उसी के उपलक्ष्य में आज हमीरपुर में भी सभी व्यापार मंडल के व बच्चों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पूरे बाज़ार आज साफ रहे तो हम बाज़ार के हर कॉर्नर को साफ करने की आज हमने शपथ ली है। और मैं माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जब से उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली है और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी हैं, जब से वो देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे इन दोनों नेताओं ने हमारा देश, हमारा प्रदेश स्वच्छ रहे। प्लास्टिक पर पूर्णतया बैन आज से शुरू हिमाचल प्रदेश में लगा दिया है और मैं ये समझता हूँ अगर प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो जाए तो हमारा जो प्रदेश है वो प्लास्टिक रहित हो जाएगा और इस सफाई अभियान में बहुत बड़ी सफलता जो है वो हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है। एक बार फिर मैं जो यहाँ एकत्रित जो लोग हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, व्यापार मंडल है, हमारा स्कूल के बच्चे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ तथा जो उन्होंने बीड़ा उठाया है वो उसमें पूर्णतया सफल रहें, ये मेरी सबको आज हमारे शहर के लोगों को ये संदेश भी है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।